सीता सिंह, वाइफ ऑफ सुपर ब्रांड, मदर ऑफ अ सन, अ यूट्यूबर, अ होममेकर। नमस्ते, वेलकम। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरे डेली रूटीन से कुछ पार्ट। तो मैंने इस वीडियो में अपने डेली रूटीन का कुछ पार्ट दिखाया है और मैंने शॉपिंग भी थोड़ा बहुत किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज फुल वॉच जरूर कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी हम लोग अपने हॉल की खिड़की से खड़े होकर ठीक फ्रंट में स्कूल बस का वेट कर रहे हैं और इसी के साथ हमारे बाबू का थोड़ा सा मस्ती भी चलता है जब तक स्कूल बस नहीं आ जाता। बाबू को बस के पास छोड़ के आ गई और ये रहा हमारा फूल पूजा करने वाला। बाबू मेरा स्कूल से लौट आया है और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, इसलिए मैं बाबू से बोली हूँ कि थोड़ा दूध गर्म कर दो, क्योंकि दूध पूजा वाला है, व्रत वाला है। उसको लो फ्लेम पे करो। लो हाँ, इधर नहीं, उस साइड, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, अब उस पे दूध रख दो। यहाँ ये जो दूध है ना, उठा के रखो दूध उस पे एकदम प्रॉपर अच्छा से। ठीक है, खाने में हमने बनाया है खिचड़ी, तो अभी मैं बाबू को खिचड़ी और अचार दे देती हूँ। बड़ा वाला लाइट बंद करो, उस साइड वाला छोटा वाला चलाओ। खाना खा लो, मैं नहा के आ रही हूँ। नहा के आ गई और अभी मैं क्रीम लगा रही हूँ और सिंदूर बिंदु कर लेती हूँ, फिर पूजा करने जाऊंगी। पूजा के लिए हमने अपने मंदिर को बहुत ही प्यारा सजाया है चुनी लाइट से, बहुत ही प्यारा लगता है। इसे मैं दिन में भी कभी कभी जला देती हूँ और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा में नवरात्रि के टाइम मैं पाठ भी करती हूँ तो इस वजह से लेट हो जाता है। और अभी मैं नीचे गई थी तो कुछ सामान भी खरीद के लाई हूँ गेट के बाहर से, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये हमने चुन्नी लाइट सेट किया हुआ है। अभी हमने शाम का दिया जला दिया है और ये देखिए हमने मंदिर को किस तरह सजाया है। बाबू जरा कैंची लाना, कैंची कैंची। पूजा करके जा ही रही थी तब तक मेरे मेरा जो ऑर्डर था उसके लिए फोन आ गया रिसीव करने के लिए, तो मैं अभी डिलीवरी रिसीव करने गई। तब तक ऑर्डर अभी रिसीव ही कर रही थी तब तक वहां आ गया हरेक माल वाला, तो हरेक माल वाला से हमने ये टॉप ले लिया। टॉप हमारे लिए जरूरी था, तो थोड़ा सा दो चार कपड़ा धोने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए टॉप लेना जरूरी था, तो मैंने ले लिया। और ये मेरे बाबू के लिए है, जब वो बाबू स्कूल जाता था तो खाना बनाने में बड़ा तसला में दिक्कत होता था, इसलिए इसमें पूरी मैं चुनी हर वक्त। और वहां पे मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मुझे एक कढ़ाई लेना है छोटा सा, तो उसके पास था तो इसे मैंने ले लिया। बहुत ही क्यूट छोटा सा कढ़ाई है, जैसे मेरे बाबू को लंच बनाना होता था दो चार पुड़िया तलने के लिए और थोड़ा सा भुजिया वगैरह बनाने के लिए, एकदम छोटा सा ये मिनी कढ़ाई, बहुत ही क्यूट है, तो इसे भी मैंने ले लिया। ये 120 में लिया, कढ़ाई भी क्यूट होता है। और उसके साथ ये मैंने बार्गेनिंग की तो एक छनी भी दे दिया बार्गेनिंग में। अभी हमें मार्केट भी जाना है तो इसके बाद हम खाना खा के मार्केट जाएंगे, वहां से हमें क्या क्या लेना है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। हाँ, नहीं पता है, मैं कल से बोल रही हूँ ना, मैं तो रेडी हूँ, मेरा बाबू अभी रेडी नहीं। तो मेरा ये पार्सल देखिए, वाओ कितना सुंदर है। तुमको कैसे पता कितना सुंदर है? क्योंकि वो जो जब तुम गए थे ना नीचे लेने तो मैसेज आया था उसी में उसका पिन दिया था। वाओ सच में बहुत ही ब्यूटीफुल। अब सुनिए हम सब करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ही दिखा दो। देखो है ना। हाँ, तो हमने मंगाया है एमेजॉन से ये ज्वेलरी स्पेशली दिवाली पे पहनने के लिए। दिवाली पे पहनने के लिए हमारा ये ज्वेलरी है, इसमें ये बहुत ही प्यारा ट्रायल करते हैं। पहले देखो भाई मेरे बाबू पहनने का मेरा ट्रायल के लिए। आयु रुक जा, इसको स्पेशली मैं दिवाली पे भी पहनने वाली हूँ और फिर किसी साड़ी या फिर
जब मैं इस ज्वेलरी को लेकर वीडियो बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ इसे यूज करने वाली हूँ, और मैं दिवाली पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ स्पेशल कि मैं कैसे रेडी होने वाली हूँ, तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। तो अभी मैं अब जैसे मैं ये जो मैंने कुर्ती पहनी है इसको हम इस पर भी स्टाइल कर सकते हैं। इस तरह की ज्वेलरी ना प्लेन डिजाइन पे बहुत ही, प्लेन कुर्ती सूट साड़ी पे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये रहा यानी सच में बहुत ही प्यारा ज्वेलरी है ये, मेरा बहुत ही प्यारा नेकलेस है। और मुझे डाउट हो रहा था जब मैं ऑर्डर कर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, और इसका प्राइस मैंने 290 रुपीज का प्राइस था, लेकिन 40 रुपीज डिलीवरी चार्ज लेके और 260 रुपीज हमें पे करना पड़ा है। और कैसा डिलीवरी हमने लिया है तो ये भी बहुत ही प्यारा है, सच में प्यारा है। प्राइस टू अकॉर्डिंग मतलब वैल्यूएबल है और सच में बहुत ही अच्छा है। जितना एक्सपेक्टेशन था ज्वेलरी से उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं काफी टाइम से इस टाइप का ज्वेलरी ढूंढ रही थी और चाह रही थी कि मंगा लूं, तो मेरा विश आज पूरा हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, मेरी ज्वेलरी कैसी। मार्केट में जिस काम के लिए गए थी वो काम हुआ नहीं, मुझे जो जो चीज़ें लेनी थी शॉपिंग करनी थी वो मैंने नहीं की, लेकिन मुझे जो नहीं लेना था वो मैं लेके आ गई। लेकिन जो मैंने लिया है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने बाबू के लिए क्या क्या खरीदी हूँ। तो एक ये है ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर की रचना, एक कैलेंडर हमने लिया है। इसमें ह्यूमन के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, बॉडी के पार्ट्स वो सारे दिए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो वो मेरे बेटे के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अब जो मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ वो ये है मैगजीन बाल भारती। मेरा बेटा 8 साल का है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसे बुक पढ़ने की आदत लगे, लेकिन फिर भी वो नहीं करता। मैं कितना भी बोलूँ कि तुम पढ़ो तो वो नहीं पढ़ता है, तो इसलिए हमने कुछ बुक्स लिए हैं। ये है बाल भारती मैगजीन, ये मंथली मैगजीन आता है, आप चाहो तो आप भी अपने बच्चे के लिए ले सकते हो। और एक ये मैगजीन है, ये भी मंथली आता है, चंपक। इसमें बहुत अच्छे से स्टोरी, मोरल स्टोरी दिए होते हैं, कुछ कॉमिक्स टाइप का दिया होता है। तो चंपक, बाल भारती, और एक ये हमने जीके का बुक लिया हुआ है, द फैक्ट्स फाइंडर। ये जीके का बुक है, फैक्टेबल जो बातें होते हैं, फैक्ट्स वाली बातें इसमें लिखी हुई होती है जीके टाइप की, तो ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने ले लिया। एक हमने लिया है गुड इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो स्पेशली हमारे बच्चे मैं देखूँ तो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना तीनों उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब भारी काम लगता है, मुश्किल काम लगता है, तो उसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने सोचा कि एक गुड इंग्लिश ले लेती हूँ, वो उसे पढ़ने की हैबिट पढ़ेगी, कुछ वर्ड्स मीनिंग सीखेगा, तो उसके लिए गुड इंग्लिश हम ले लेंगे। और ये वाटर पेंट उसको चाहिए था, और फेविकॉल पेंसिल, तो ये भी हमने लिया है। और उसके स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ के लिए स्क्रैपबुक लगना था तो वो भी हमने लिया है। और एक हमने लिया है इंग्लिश का, इंग्लिश स्पोकन का छोटा सा बुक, ये वाला, ये है राकेश का परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिए हुए, ट्रांसलेशन वाला बुक है, तो ये भी बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत ही आसान कुछ बेसिक्स बुक है जो हमने लिए हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं दही बाड़ा, और इसमें हम बड़ी भी बनाएंगे क्योंकि दही कम है ना। तो अभी मेरे पास ये 1/2 kg दही है और इसमें हमने चीनी डाल के मीठा दही बना लिया है दही बाड़ा के लिए। और ये है मूंग में हमने हरी मिर्च, अदरक और मूंग मतलब काला मिर्च डाल के क्या किया है, ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में।
मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, काला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है खमन आने के लिए। तो इसे हम 2 घंटा के लिए ढक के रखेंगे। तुम बताई नहीं थी, मुझे देख के पता चल गया। थोड़ा सा फूल जाएगा, ठीक है, तो इसे हम कवर कर देंगे। 2 घंटा बाद हम इसे बनाएंगे। इसमें से आधा हम बरी बना देंगे और आधा दही बाड़ा। और ये हमने धनिया पत्ता काट के रख लिया है, और धनिया पत्ता का जो डंडी है ना, हम सब्जी में यूज करेंगे। सब्जी? हाँ, छोला में। इसका मैं ट्रिक बता देती हूँ। इसका हम क्या करेंगे कि यदि छोला या फिर कोई ऐसा सब्जी या फिर दाल हम बॉयल करते हैं, उस वक्त ये आप डंडी डाल दें, इसका फ्लेवर उसके अंदर चला जाएगा, फिर डंडी को हम निकाल लेंगे। मेरा टीवी देख रहा है और नाश्ता भी कर रहा है, और अभी हम बना रहे हैं ये पकौड़ी। हमने जो दिखाया था ना बड़ा, वही वाला। तो ये हमने चुन्नी लाइट सेट किया हुआ है, अभी हमने शाम का दिया जला दिया है। और ये देखिए हमने मंदिर को किस तरह सजाया है। अभी मैं बना रही हूँ मूंग का पकौड़ा, मूंग का बड़ा, मिनी बड़ा। तो ये जो आपने देखा था ना इसका, यदि आपको मेरी रेसिपी भी चाहिए तो इसके लिए आप मेरे सविता कॉर्नर स्टोर चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। इस मेरे रेसिपी चैनल की ना, मेरी कुकिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं लाई अपने बाबू के लिए। स्माइल करो बाबू, हाय करो सबको। और यहाँ टीवी भी देख रहा है मेरा बाबू, टीवी देखते हुए खाएगा। देखो इधर आई हूँ, इसी में तो मजे है। जब भी खाना खाता है टीवी देखता है, इतना टाइम है इसके पास हमारे पास। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि मेरी यह ज्वेलरी कैसी लगी, और इसका लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। और प्लीज कमेंट में यह भी बताएं कि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे, किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो हमारे लिए वीडियो बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, टॉपिक चुनना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।